सज्जनों ते बेलियो, ये हमारा एक घर से 3 किलोमीटर है, इसका नाम है कुखल। बर्फ पड़ी हुई यहाँ पे, नीला आसमान खो गया। ये है जी चर्च, अभी दिखाते हैं आपको। पीपल आर रेस्टिंग हियर, द लास्ट रेस्ट, जो आखिरी बदल आराम करता ना वो ये जगह। ये कब्रिस्तान है और साथ में चर्च है। ये बहुत पुरानी चर्च है, 500 साल पुरानी। गॉड ब्लेस खजूरिया साहब, पंकज भाई, मोटी भाई। हम आए आज कुखल, और ये अभी हमारी छोटी सी मार्केट स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। देख रहे हो, ये देखो कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है पहाड़ों का। आज बड़ी दिन बाद निकली है धूप, और माथुर माथुर भी आया, मैं और माथुर आए हैं दोनों चक्कर लगाने आज। तो मेरे को काम था यहाँ पे, मैं क्या चल कने देवी दे दर्शन कने रीढ़े का फेरा। ये है जी हमारा मार्केट। आओ भाई मोंटी भाई, आपको तो याद ही होगा, इधर आए थे हम। ये हमारे गांव का अगला गांव है, ये नेक्स्ट। हम रहते हैं उस पहाड़ी के पास। तो ये ही मार्केट, ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं बाहर। गर्मियों में ये लोग बाहर बैठ के खाना खुना खाते हैं, सर्दियों में अंदर। हाँ मथुर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आर यू इन्जॉइंग इन इंग्लिश? ये देखो घर के ऊपर ये बड़ी पुरानी पत्थरों की कटाई होकर ना काट के उसका डिज़ाइन बनाया हुआ है। ऐसा लगता है पेंटिंग की है, लेकिन है ये पत्थर काटे हुए हैं। और ये रेस्टोरेंट का, ये एक्चुअली सिर्फ रेस्टोरेंट ही है इस गांव में ज़्यादातर। '74 में इसकी रेनोवेशन हुई थी, ये देखो। और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब का है, 1972 का। जो आज आपको मैं एक चीज़ दिखाने लगा हूँ ना, वो हर एक गांव में होती है यहाँ पे। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, आपको माता रानी की कसम है। और नवनीत ही सही, हेलो यारो। माथुर इज वॉकिंग, आई एम टॉकिंग। हम निरीक्षण करने आए हैं इस गांव का। सो जो आपको मैं दिखाने लगा हूँ चीज़, वो बड़ी प्यारी है। वो हर एक गांव में है अपने अपने। लोग क्या करते हैं कि जो किताबें पढ़ने वाली होती है ना, जहाँ पे छोड़ जाते हैं और जो दूसरी ले जाते हैं। बल्कि कोई भी आप यहाँ से, अगर आपको भी किताब पसंद आएगी तो आप ले सकते हो, देख सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो आप, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, जो बुढ़े लोग जिनको जो किताब नहीं ना सही, एनक वगैरह या कुछ, तो आपने इसके ऊपर ये कागज़ रखना है, तो आपको ये डबल दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये किताबें पढ़ी हैं, आप कोई भी किताब आपको चाहिए यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे उठा के आपने ले जानी, बस आप अपनी किताब रखो नहीं रखो, अगर आपको पसंद आ गई है। जैसे कोई बंदा धूप सीखने आया तो इधर कहेगा चल यार किताब लेके, तो इधर बैठ जाते हैं, धूप भी सीखो साथ में धूप। हाँ भाई ये तो है ड्रीम प्लेस। और दूसरा दिखाऊँ आपको, ये अखबार है, जैसे संडे है ना आज, तो इसके अंदर अखबार पड़ी हुई है। आपने इसके अंदर 1 रुपया 30 पैसे डालने हैं और किताब अखबार ले लेनी है। कोई यहाँ पे देख नहीं रहा है तो, और हर बंदा पैसे डालता है तो, क्योंकि संडे को न्यूज़पेपर। ये पत्थर की कटाई हुई है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये
ये 1491 में बना था ये बिल्डिंग, ये देखो आप हाँ, और लिखा हुआ है रेनोवेट हुआ था 1981 में हाउस ऑन द प्राइम बेकराई बेकरी है ट्रेडिशनल बेकरी। और ये देखो इसने शहर वालों ने पानी का फुहारा लगाया हुआ पत्थर के काट के ऊपर से पानी आ रहा है एंड यू कैन ऑल्सो ड्रिंक वाटर हेयर। आप ऑस्ट्रिया में पानी कहीं भी पी सकते हो, आपको कोई बॉटल लेने की जरूरत नहीं है, साफ पानी। ये पत्थर है बड़ा मोटर नहीं बंद कर रहे, ये पानी चली जा रहा है। और ये है, ये तो आपको पता ही है, वो तो हर जगह मिलता है। जैसे आपने कोई भी चीज़ खाने पीने की, जो ये कच्चा मीट है, कच्चा मीट मुर्गा बकरा ऐसे आप पैसे डालो इसके अंदर, वो मीट अपने बाहर आ जाएगा। तो बूस्ट लिखा हुआ है, मोजट स्पिट्स। देख रहे हो ये पब्लिक स्कूल है, स्कूल है ये फोल्क शूले, इसको बोलते हैं फोल्क शूले पब्लिक स्कूल कुखल। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली, द मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम हियर फॉर इवनिंग वॉक एंड ईट। सामने देखो कितना सुंदर व्यू है, ये हमारे ऑस्ट्रिया का फ्लैग है बीच में, और ये कुखल का झंडा है, इस गांव का झंडा है। तो उस पहाड़ी के पिछली तरफ जर्मनी है और इस तरफ अपना ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया शोकोलाडन, यहाँ पे आपको आइसक्रीम मिलेगी, चॉकलेट नोएबावा लुमिन डेकोरेशन। ये देखो इम्बिस बार पिज़्ज़ेरिया पिज़्ज़ा है ये, तो ये इन्होंने सिर्फ ये गर्मियों में ही लगती हैं कुर्सियाँ बाहर, सर्दियों में ये उठा लेते हैं सब कुछ। असं आए हुए अज घूमन धुप लवाना है गड्डी में। और आपको एक ही लाइन में ग्रीनरी पेड़ आपको एक ही लाइन में लगेंगे सारे। हाँ संधु ठीक ठाक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो पोर्शे की गाड़ी है, ये 1.5 करोड़ की कीमत है इसकी, 1.5 करोड़ इससे पोर्शे। ये है बैंक स्पार्का सा। अच्छा इसके अंदर कोई बंदा नहीं है अभी अंदर, लेकिन जैसे मेरा इसके अंदर अकाउंट है तो मेरे कार्ड सेंसर हो जाएगा और अपने आप इसका गेट खुल जाएगा, सिर्फ उसका ही खुलेगा जिसके पास ये कार्ड होता है। देख रहे हो ये बैंक है, तो कोई भी नहीं अंदर, अपने आप ही पैसे जमा भी करा सकते हो और आप निकाल भी सकते हो। दिस इज़ माई बैंक। तो आपके पास जो कार्ड होता है ना उसका सेंसर हो जाता है और ऐसे आप पास आओगे तो अपना दरवाजा खुल जाएगा, उसी का ही, और किसी के लिए नहीं खुलता। ये उनके लिए खुलता है जिन्होंने इधर ऑस्ट्रिया में शादी की है, उनके लिए कहते जवाई पाई है। तो ये है जी मेन रोड, बादल चढ़े हुए हैं आज फिर। यही एक रंग बिरंगा शहर है, बस गांव है एक्चुअली, इट्स अ विलेज। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हेयर। रजत कल ही गड्डी नाल गल्लां करे करदा है, रजत इज टॉकिंग विद कार आई थिंक। जय सीताराम, नमस्ते, हरिओम, सत श्री अकाल। हाँ माई डियर, क्या प्रोग्राम अब निकर चे इतू। अच्छा पिंड वाले भाई तुम चाह चू नहीं पुछिए चले, हूँ उनके कहने रुसी गए हैं, कोई पता ही भी है पिंड जवाई है फिर बाजार, कोई बंदा चाह पानी पुछता है।
शर्म गै नहीं रही तो ही कोई। चलो बैठो जी फिर बाबे हो, मीं रुसी चलिया हूँ तुंदे कन्नै, मीं नहीं आना परती तुंदे मुड़े मुड़े दे ब्याह च। चलो अगे तू बना थोड़ी जी, चलो सीधी उनकी बनाना बस। सो लेट्स गांव दिखाते हैं को थोड़ा सा। देखो बेल्ट नहीं पा ना, सीटियां मार ली पी इन्हें सुनाई उड़ा कि दूसरी बार तुम्हें पिंड नहीं आना है। मुहाला मोहन पापा अब कुड़ी ही आवे कोई चाह चू नहीं पूछी तो है मेरी आना तुम्हें पिंड सोरे मेरे दे नहीं हुण ते इह न्याणे बलवंत दे मुड़े ने सारे बड़े कि ने और रंग काला जड़े होंगे बेड़े फिरी फिरी वेले धुप्पे धुप्पे फिरी फिरी तो यार साढ़े घर हो जाने काले बंब काले हो जाने बंब काले गाना गुना भी लगता है कोई नॉर्मल रोड है इसकी जो स्पीड लिमिट है 80 है। म्यूजिक सुनो तो म्यूजिक कितना तगड़ा था। कट रहा है रास्ता जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता हम सफर तो है मगर मंजिल है जुदा जुदा हम सफर तो है मगर मंजिल है जुदा जुदा जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता तू राइट और मुड़ दी तू लेफ्ट और मुड़ दी जोई कट रहा सफाई देखो कितनी है रोड के ऊपर। कोई नहीं कुत्ता मरे कोई रेड़ा टंगा ज्यादा कोई ना कोई शराबी डिगे कोई रस्ते से लोगों के पैदल चलने के लिए अलग से रोड जगह बनाई उन्होंने। और इतना ग्रीन है आपको सिर्फ ग्रीन ही दिखाई देगी पूरे ना जहां पे गाड़ी का टायर पंचर होता है ना पुलिस वाले किकड़ो के थोड़ी तो चलान कर देना कदो कत गड्डी कत जे भी इन्होंने बनाया था पुल पहले जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग थी उसकी वजह से बड़ा जाम लगता था यहाँ पे। फिर मैंने इसको बोला कि मैं थोड़ा जवाई हाँ मैं रुस जाना है मैनू बना दो पुल फिर इन्होंने पुल बनाया मेरे वास्ते देखो
ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਆਸਟਰੀਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਰੀਏ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਓ ਗਰਾਈ ਗਰਾਈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪੁੱਲ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਵੀ ਜੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਰਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਔਰ ਇਸੀ ਗਾਓ ਮੇਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਗਾਓ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸੁੰਦਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੱਤੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਔਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੰਝਦਾਰ ਪਹਾੜੀ ਜੁਲਣ ਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੱਗਤਾ ਥਾ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਛੇ ਮੀਟਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾ ਧੂਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਧੂਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸੀ ਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਪੇ ਧੂਆਂ ਨਾ ਉਸ ਕੇ ਆਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਡਾਲਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੇਂ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਹੀਂ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੋ ਤੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੋ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੋ ਉਸਕੇ ਪੈਸੇ ਲਗੇਂਗੇ ਅਲਗ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਨਗਦ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਗਾਓ ਨਾਓ ਇਟਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਵਰ ਵਿਲੇਜ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਰਨ ਪੇ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹਰਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਆਸਟਰੀਆ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਿਜੇ ਭਈਆ ਦਸੀਆ ਓਏ ਬੋਲੇ ਜੁਲੀਅਨ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮੈਕਡੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਾਦੀਨ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਪਾਗਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਾਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਸਪਾਰਕਲ ਇਹ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾੜੀਆਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁਰਗੇ ਕੇ ਮੀਟ ਕਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾੜੀਆਂ ਸੇਲ ਕੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆਡੀ ਫੋਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਲ ਪੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਤਾਓ ਮੈਂ ਅਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਪੰਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀ ਪਿਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੋਫਰ ਛਿਆਲੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਛਿਆਲੀ ਸੌ ਕੀ ਫੋਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਥ੍ਰੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਨਾਈਨ ਹੰਡਰਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸਮੇਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਓ ਮੇਂ ਫਰੀ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਦੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੇ ਭੂਤ ਹਮਕੋ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੇ ਭੂਤ ਹਮ ਆਪੂ ਭੂਤ ਹੈ ਆਪੂ ਭੂਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਭੂਤ ਕਿਆ ਚੰਬੜੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ
हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे एंड फादर्स डे। और ये भेज देते हैं सर, भेज देते हैं। जय सीताराम सबको, सत श्री अकाल। हंसते रहो तो बसते रहो, फिर मिलेंगे।